प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कसडोल द्वारा नगर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 3 दिवसीय द्वादश ज्योतिर्लिंग की झांकी बनाया गया, जिसे देखने सुबह से ही भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि द्वादश ज्योतिर्लिंग को मनोरम तरीके से शिवलिंग बनाकर प्रदर्शित किया गया। प्रत्येक भक्त शिवरात्रि पर अपनी मनोकामना की पूर्ति करने की कामना करते हैं। आगे उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। अठासवीं त्रिमूर्ति शिव जयंती है आज महाशिवरात्रि का दिन। तो पूरे भक्त जो लोग हैं वो भारत भर में आज के दिन हर मंदिरों में जा कर के शिव जी से अपनी अनेक कामनाएं रखते हैं, मनोकामना पूरी करने के लिए रखते। तो निराकार परमात्मा जो है हम मनुष्य आत्माओं का पिता है, और उसी लक्ष्य को लेकर के कि वो परमात्मा हमको सब कुछ देने आए हैं, तो द्वादश ज्योतिर्लिंगम का झांकी यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में निकाला गया है। साथ में प्रदर्शनी भी है, जिसको देखकर हम अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाए। जो कहा जाता है ना, हम बदलेंगे युग बदलेगा, तो वो कार्य अभी स्वयं निराकार परमात्मा कर रहे हैं। और ये आज का जो दिन है वो विशेष और भी है कि आज महिला दिवस भी है। तो कहते हैं परमात्मा शिव इस धरा पर आ करके नारियों के द्वारा नर्क को स्वर्ग बना रहे हैं, तो आज दोनों दिवस एक साथ है। मुख्य तो अपने मेडिटेशन का है। आज पूरे विश्व में देखा जाए, हर मनुष्य आत्मा चाहे वो तन मन धन से कितना भी सक्षम हो, पर कहीं ना कहीं देखा जाता है लोगों का मन किसी न किसी बात को लेकर के परेशान रहते हैं। पर जब शांति देखिए, मैं बहुत वर्षों बहुत पहले से यहाँ भी जुड़ा था, अभी उम्र की कमजोरी कारण से नहीं आ पा रहा हूँ, किंतु मेरा लगाव यहाँ से रहा है, तभी मैं आज यहाँ आया हूँ। आज मनुष्य बुरी तरह सारी सुविधाओं के बावजूद भी भटक गया है इंसान, और उसे जीवन में आनंद चाहिए। आनंद के दाता हैं केवल शिव भोलेनाथ, जो सत्यम शिवम सुंदर हैं। यहाँ जो कोई भी आदमी आएगा श्रद्धा और भक्ति के साथ, अपने विकारों को छोड़ करके यहाँ पर शरणागत हो जाएगा, उसे परम शांति की उपलब्धि होगी, ये मेरा अखंड विश्वास है। मन उससे क्या है, रोज़ रोज़ अभ्यास से राजयोग करें। राजयोग क्या है, मन शांति के लिए है, और उससे परम शांति की उपलब्धि होगी, और उसका भटकता हुआ मन शिव की आराधना में केंद्रित हो जाएगा। शांति नहीं, तन मन धन सारे सारी सुख सुविधाएं उसे उपलब्ध हो जाएंगी। झांकियों से परम शांति का संदेश है, सुख का संदेश है, और ये झांकियाँ ये बता रही हैं।